अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारवी इंस्टीट्यूट में। हूँ मोहम्मद अवैस मरसूद करी खुबै मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। कर सब से आज हम क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर सब। अच्छा कर सब, हमें ये बताएं, ख्वाब इंसान को आएँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ख्वाब के अंदर, तो उसकी तबीर कैसी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलात वस्सलाम अला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद फौज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वैस भाई, मैं ना इंशाल्लाह चार तबीरें बयान करूँगा जी, जो बुरे अच्छा ख्वाब है लेकिन उसकी ताबीर बुरी है। जी, ख्वाब के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा हनस रहा है जी, तो इसकी तबीर है कि उसको गम और परेशानी मिले ख्वाब में। अच्छा, जो मैं ये बातें करता हूँ ना कि उसको परेशानी मिलेगी या इसकी तरफ इशारा है, लोग कहते हैं कि ये क्या मुख्तसर जवाब दे दिया। जो बात नाज़रीन मैंने कर दी है, आगे आपने खुद सोचना है कि ताबीर किस तरफ जा रही। एक औरत के साथ शादी करना चाहते हैं जी। आपने देखा कि मैं उसके साथ बड़ा खुश हूँ जी, तो आप रिश्ता ना करें जी। क्यों? उसकी तबीयत परेशानी आएगी या रिश्ता कामयाब नहीं होगा। अगर रो रहा है तो उसकी तबीयत अच्छी होगी। तो स्टोरी आपने सोचनी है, समझनी है जी। सारी चीज़ें जो मैं नहीं आपकी ज़िंदगी को जानता, मैं तो आपको भी नहीं जानता कौन है आप। इस तरह ख्वाब इंसान मुश्क देखता है कि अच्छी चीज़ है लेकिन इसकी तबीयत शेर सांप सांप का चमड़ा, ये तबीरें होती हैं इसकी। और इसी तरह ख्वाब में इंसान जाल देखता है, जाल जबकि अच्छा है, इसके ज़रिए से हलाल चीज़ें भी दरिया समंदर से ली जा सकती हैं, तो इसकी तबीर है मकर और हीला। ख्वाब में जाल देखा है, एक औरत के हाथ में है तो मकर करने वाली कोई औरत का सामना या बंदे का सामना, ऐसी चीज़ें होती हैं। इसी तरह ख्वाब के अंदर इंसान देखता है मुंशी खाना, जहाँ अमूमन मंडियों के अंदर मुंशी खाने होते हैं या और जगह भी, तो जो मुंशी खाना होता है, जो जिसको कातब कहा जाता है या और भी वो काम करता है, तो ख्वाब में मुंशी खाना देखना ये गम की जगह होती है। तो इसी तरह उसकी आकबत अच्छी होगी अगर वो अच्छा काम, यानी कि नेक है ना, वरना आप अमूमन देखें कि मुंशी खाने में अमूमन लड़ाई झगड़ी होती है, तो लेकिन अगर वो सही काम कर रहा है, सही बहस करता है, हक पे है, तो उसकी आखिरत अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, कर साहब को आप डिटेल बताएंगे क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड ख्वाब होते हैं, तो इंशाल्लाह उसकी तबीर वैसी लगेगी। डिस्क्रिप्शन में कर साहब का नंबर मेंशन है, रब्ता कीजिएगा, रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।